केंद्र की मोदी सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम के माध्यम से बड़ा प्लान कर रही है। मोदी सरकार देश के 10 करोड़ लोगों को चुनेगी। इसके तहत उन चुने गए 10 करोड़ लोगों को हर महीने 2,500 रुपए महीने तक देने की योजना पर विचार कर रही है। दरअसल हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी एक भी राज्य में अपनी सरकार नहीं बना पाई। इनमें से कांग्रेस ने 3 राज्यों में अपनी सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद कांग्रेस ने इन राज्यों में किसानों का कर्ज माफ करने का भी ऐलान कर दिया, जैसा कि पार्टी ने चुनाव से पहले कहा था। अब केंद्र सरकार को लगता है कि कांग्रेस को कर्ज माफी का माकूल जवाब नहीं दिया गया तो उसका असर लोकसभा चुनावों में भी देखने को मिल सकता है। 27 दिसंबर को पीएम मोदी यूपीआई को लागू करने के लिए अब तक किए गए पूरे काम की समीक्षा करेंगे। इस स्कीम के तहत चुने जाने वाले लोगों को पैसा मिलेगा। सरकार अभी शुरुआत में 2000 से लेकर 2500 रुपए महीने देने की प्लानिंग कर रही है। इसका ऐलान अगले साल 15 जनवरी तक किया जा सकता है।